मित्रों जय माता दी, आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों जैसे ही जन्माष्टमी का त्यौहार खत्म हुआ, वैसे ही लोगों को मेरे पास लगातार कॉल आने लगे कि गुरुजी हमें बताइए कि तीज, जो कि हरतालिका तीज आने वाली है, वो 1 सितंबर को है या 2 सितंबर को है, क्योंकि हमें ज़बरदस्त कन्फ्यूजन हो रहा है। कुछ जगह तो 1 सितंबर होने का दावा किया जा रहा है, कुछ जगह 2 सितंबर होने का दावा किया जा रहा है। तो आप हमें बताइए कि 1 सितंबर को हम तीज का व्रत रखें या 2 सितंबर को हरतालिका तीज का व्रत रखें। तो इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन की वजह से मैंने सोचा एक इस पर वीडियो बनाना चाहिए मुझे, ताकि लोगों को क्लियर हो पाए कि उनको व्रत किस दिन रखना है हरतालिका तीज का, 1 सितंबर को या 2 सितंबर को। इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं और पूरे तथ्यों के साथ जानने वाले हैं। वीडियो के अंत में आप खुद से ही ये निष्कर्ष निकाल पाएंगे कि आपको 1 सितंबर को हरतालिका तीज का व्रत रखना है या 2 सितंबर को हरतालिका तीज का व्रत रखना है। वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप वीडियो में खो जाएंगे तो आपको बाद में फिर मौका नहीं मिलेगा, आप भूल जाएंगे। देखिए, हरतालिका तीज जो होता है वो भगवान शिव और पार्वती माता की मुख्यतः इसमें पूजा की जाती है, और ये सुहागिन स्त्रियां जो होती है अपने सौभाग्य की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती है, अपने पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत रखती है, हमेशा सुहागन बने रहने के लिए भी व्रत रखती है। और जिनकी शादी नहीं हुई है ऐसी लड़की भी इस व्रत को रख सकती है। क्यों? क्योंकि अपने मनवांछित पति को पाने के लिए। ये व्रत जो है सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए रखा था। इसी वजह से हरतालिका तीज का महत्व बहुत ही ज़्यादा है और भगवान शिव इससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो माता पार्वती और भगवान शिव की इसमें पूजा की जाती है, साथ में भगवान गणेश की भी पूजा की जाती है। लेकिन ऐसे में कन्फ्यूजन है कि 1 तारीख को मनाएं या 2 सितंबर को मनाएं। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको भादव मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को हरतालिका तीज मनाया जाता है, ये बात सही है, और इस समय हस्त नक्षत्र होना चाहिए, ये चारों संयोग होना चाहिए। भादव मास भी होना चाहिए, शुक्ल पक्ष भी होना चाहिए, तृतीया तिथि भी होना चाहिए और हस्त नक्षत्र भी होना चाहिए। चारों चीज़ें जरूरी है हरतालिका तीज के लिए, क्योंकि इन्हीं चारों चीज़ों के संयोग में माता पार्वती ने भगवान शिव का पूजन किया था और उन्हें पति के रूप में फिर से पाया था। तो अब सवाल यह उठता है कि 1 और 2 कब है। देखिए, 1 सितंबर को अगर मैं वाराणसी पंचांग देखूं तो 1 सितंबर को दिन के 11:22 के बाद शुरू हो रहा है तृतीया तिथि। तृतीया तिथि शुरू हो रहा है 11:22 के बाद, और हस्त नक्षत्र कब शुरू हो रहा है? हस्त नक्षत्र शुरू हो रहा है 3:08 के बाद। तो मतलब 3:08 के बाद हरतालिका तीज 1 सितंबर को मना सकते हैं, ठीक है। अब 2 सितंबर को क्या है? 2 सितंबर को तृतीया तिथि जो है वो है 9:01 तक, ठीक है। तो 2 सितंबर को भी तृतीया तिथि है और 1 सितंबर को भी तृतीया तिथि है, लेकिन 2 सितंबर को सुबह में है और 1 सितंबर को दोपहर से शुरू है, 11:30 से मोटा मोटा शुरू है। तो 1 सितंबर को भी है और 2 सितंबर को भी है, दोनों दिन तृतीया तिथि है, और हस्त नक्षत्र 1 सितंबर को शुरू हुआ था और 2 सितंबर को कब तक है वो आइए जानते हैं। 2 सितंबर को है 1:35 दोपहर तक। तो रात में पूजा होती है हरतालिका तीज की, जिस समय दिन और रात का संयोग होता है, प्रदोष काल होता है, उस समय पूजा होती है हरतालिका तीज की। लेकिन ऐसे में क्या है कि जिस तिथि का सूर्योदय हुआ है वही तिथि पूरे दिन मानी जाती है हमारे शास्त्रों के अनुसार। तो तिथि तृतीया तिथि का जो सूर्योदय है वो कब हुआ है? वो हुआ है 2 सितंबर को, क्योंकि 2 सितंबर को सुबह में तृतीया तिथि है और हस्त नक्षत्र भी सूर्योदय के समय उस समय होता है। तो ये पूरा दिन जो है 2 सितंबर का वो हरतालिका तीज के लिए उपयुक्त माना गया है। इसी वजह से 2 सितंबर को हरतालिका तीज का व्रत रखना
सबसे उत्तम होगा। वैसे आप अगर चाहें तो 1 सितंबर को भी रख सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, क्योंकि ये चारों संयोग जो मैंने आपको बताया, भादव मास, शुक्ल पक्ष, तृतीया तिथि और हस्त नक्षत्र, चारों चीजें 1 सितंबर को है। दोपहर के बाद शाम में पूजा कर सकते हैं, लेकिन सूर्योदय होता है 2 सितंबर को इन चारों चीजों के साथ। तो हमारे शास्त्रों के अनुसार जिस तिथि में सूर्योदय है वो पूरा दिन उन्हीं का माना जाता है, तो इस वजह से उत्तम जो होगा वो होगा 2 सितंबर को ही हरतालिका तीज का व्रत रखना और शाम में पूजा अर्चना करना। तो उम्मीद है आपको शास्त्रों के अनुसार पता चल पाया होगा कि किस समय में उपयुक्त है ज्यादा हरतालिका तीज का व्रत रखना। और ये जो मैंने आपको तिथि बताई, समय बताया, ये मैंने बताया वाराणसी के हिसाब से। वाराणसी के हिसाब से क्यों? क्योंकि वाराणसी जो हमारी है वो धार्मिक राजधानी है। जिस प्रकार राजनीतिक राजधानी हमारी नई दिल्ली है, उसी प्रकार पूरे विश्व की, सनातन धर्म की जो धार्मिक राजधानी है वो वाराणसी बनारस को माना गया है। तो बनारस का समय मैंने बताया ये आपको, आपके यहाँ से आप अगर पूर्व रहते हैं बनारस से तो आपके यहाँ थोड़ा पहले हो सकता है ये तिथि, पश्चिम रहते हैं बनारस से तो थोड़ा बाद में हो सकता है ये तिथि, लेकिन 15 से 20 मिनट का ही फर्क होता है। तो मोटी बात यह है कि कहीं भी आप रहते हैं पूरे विश्व में, आपके यहाँ सूर्योदय जो होगा वो 2 सितंबर को ही होने वाला है, भादव मास के तृतीया तिथि के शुक्ल पक्ष के हस्त नक्षत्र में 2 सितंबर को ही होने वाला है। तो 2 सितंबर को हरतालिका तीज का व्रत रखना और पूजा पाठ करना उत्तम होगा। इस विषय में अगर आप कुछ और भी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें निसंकोच पूछें। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे हरतालिका तीज के व्रत के लिए आपको क्या क्या चीजें की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि अभी से आप खरीद के रखेंगे तभी आपको काम आएगा उस दिन, और पूजा किस तरह से करने वाली है। तो हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी।